लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं ना, उनके हुस्न के लश्कारे के आगे तुमने भी मान पड़ जाना है। कॉमेडी का भरम एक बार फिर आते हैं, जुनैद अकरम। जुनैद, मैं मौका देता नहीं हूं लोगों को बार बार आने का, लेकिन पब्लिक डिमांड बहुत थी, तो कैसा महसूस किया है पिछली दफा के बाद से? सर, बड़ा मोहब्बत है और मैं तो कॉमेडी सिटी का फैन हो गया हूँ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, क्या लिविंग स्टैंडर्ड्स आपने इतने ऑप्टिमम रखे, मेरे तो जाने को दिल ही नहीं कर रहा। जब से शहरियत मिली है मैं तो इधर ही का होके रह गया। वाह, और तुमने आए जब हो तो किसी ने तुमसे किराया तो नहीं लिया? उल्टा दे रहे हैं लोग, यहाँ तो कहते दो जुकते सुना दो हमसे पैसे ले लो, तो यहाँ तो मेरा खर्चा ही कुछ नहीं हो रहा, उल्टा कमा रहा हूँ मैं यहाँ तो। बेहतरीन, मतलब गंदुमी रंग होने के साथ साथ तुम गोरा गोरा महसूस कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा, जैसे बाहर के व्लॉगर नहीं होते जो आते हैं और उनको हर चीज फ्री में मिल रही होती है, तो मैं यहाँ का गोरा व्लॉगर बना हुआ हूँ। वाह, जुबैक कह सकते हैं आप मुझे। बिल्कुल ठीक है, हालांकि ना तुम गोरे हो ना तुम्हें कोई ऐसी चीजें लगी हुई है जिसकी वजह से लोग तुम्हें डिस्काउंट दें। बिल्कुल ऐसा है। तो ऐसा करते हैं कि बाकी बातें बैठ के करते हैं, क्योंकि मतलब हमें पैसे तो नहीं मिल रहे खड़े होने के। ऐसा ही है, आ जाओ। तो आ जाओ ऋषम। जुनैद दूसरी दफा आए हैं, पिछली दफा तुमने इनको इजी छोड़ दिया था, इस दफा जरा टफ स्पॉट में रखो। तो आप कौन से टफ स्पॉट में आना चाहते हैं? स्पॉट तो बहुत सारे हैं जहाँ आना चाहते हैं, मिलते नहीं है क्योंकि गूगल मैप वहां तक की रसाई नहीं है, लेकिन ठीक है, ट्राई करना। टेक्नोलॉजी अभी तक वहां तक नहीं पहुंची। नहीं पहुंची। आपको पता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग वैक्सीन के खिलाफ हैं। बिल्कुल। तो ये जो कोरोना की वैक्सीन है, ये इसके थ्रू वेस्ट हमारे अकदार लेके जाना चाहता है। मुझे समझ नहीं आता, कहते जी 5G की चिप लगेगी, तुम्हारा 2G पूरा आता नहीं है, 5G लगा के करना क्या है? कहते जी हमारा DNA चेंज कर दें, तो अच्छा है कर दें। अगर इस DNA से ये रिजल्ट है 70-80 साल में या 500 साल में, तो अच्छा है चेंज कर दें, शायद कुछ अच्छा ही हो जाए। या फिर ये कि जी ये हमारा टैलेंट निकाल लेंगे। वो क्या टैलेंट निकालेंगे, कि चारपाई कैसे बनते, ये टैलेंट निकालना है? या सूंघ के कैसे बताते हो खरबूजा फीका या मीठा है, ये टैलेंट है? या जी वो पाए खाते हुए हड्डी से किस तरह गूदा खींच लेते हैं, ये कैसा सक्शन मशीन है इनकी, ये चाहिए उनको क्या? कि भाई ये इनकी मतलब एवी कहते हैं यार कि हम लोग जो है ना एंटी क्लाइमेट हैं, हमने जितने ग्लोबल वार्मिंग पे हमारा इतना ज़बरदस्त काम है कि दुनिया में तो सिंगल यूज प्लास्टिक है जी, क्रोसां लिया साथ में प्लास्टिक लिया बाहर आके फेंक दिया। हाँ। ओ भाई क्रोसां ऐसे ही ले आता, ठीक है ना, हम तो जी थैलियों, हमारे हर किचन में एक थैली होती है जिसके अंदर बाकी थैलियां। हाँ। हम तो फेंकते ही नहीं थैलियां। ओ भाई रबर बैंड, जो सिंक का नलका होता है उस पे इतने रंग बिरंगी रबर बैंड होते हैं, जैसे वो थर की औरतें जो चूड़ियां यहाँ तक पहनती है, वो लगता है नलका वली में बैठा है, हार पहने हुए उसने, वो फेंकते ही नहीं। हम रबर, नाम रबर फेंक रहे हैं, नाम प्लास्टिक फेंक रहे हैं। शैम्पू खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ, स्टेट ऑफ माइंड आपकी बात नहीं खत्म हुआ, पानी डाला खसड़ छड़ छड़ फिर शुरू हो गए, साबुन खत्म हुआ नहीं जी दूसरी के साथ जोड़ दो चलाओ, नहीं फेंक रहे, वेस्टेज ही नहीं। आइसक्रीम के डब्बे में कब आइसक्रीम आई हमें पता ही नहीं चला, हमेशा दाल ही देखी है। बिस्किट के डब्बों में सुई धागा वो नहीं फेंकते हम, उसी डब्बे में कोरमा डाल के हम भेजते हैं मामी के घर, मामी कोरमा खाली करती है और कोरमे की जगह हलीम आती है, वो फलाने के घर जाती, डब्बा भी बोलते हैं यार मैं जिस काम के लिए हूँ वो तो डालो मेरे अंदर, उसके अलावा हर चीज डल रही होती है। हाँ। और डब्बा पूरे खानदान में घूम रहा है, उसके पास पूरे खानदान की गौसे पे इनके यहाँ क्या क्या चल रहा है। अच्छा, लेकिन याद रहता है मामी को, दोनों सफेद डब्बे हैं ऑरेंज ढक्कन वाले, उनको पता है कि ये फुफो का है और ये खाला का है। यार समझ से भाग। दूसरा, ये जो आपने बीच में थार की खवातीन का जिक्र किया ना, यहाँ यहाँ तक चूड़ियाँ, तो वो एक एग्जीबिशन में गए तो वहां पे गोरा भी आया, तो वो दो खवातीन ऊपर तक घड़े सर के ऊपर और यूं चूड़ियाँ और वो यूं चलती हुई आ रही है रेगिस्तान में से, तो गोरे ने कहा कि क्या कल्चर है आपका। तो हमारे एक और दोस्त ने कहना है सारा कल्चर दो टूटियां दी मारे। अच्छा, जो वैक्सीन है ये सबसे पहले लग रही है 60 साल वालों को, तो उनसे क्या लेना है, ये टाइपराइटर कैसे चलता है, या जी भाई का प्लॉट कैसे खाना है, सऊदी वाले जो भाई आते हैं 30 साल लगा। अच्छा, ये बड़ा यहाँ पे कल्चर है, भाई एक भाई बाहर है पीछे सारे बैठे हुए, वो वेट कर रहे हैं कि रिटायर होकर वापस आएगा तो उसकी जमीन हथियानी है, क्या ये इकदार लेके जानी है बिल गेट्स ने, या जी कजन मैरिज लेके जानी है, क्या लेके जाना है उसने अमरीका? मुझे समझ नहीं आता क्या टैलेंट है वो जो हमसे छीनना चाह रहे हैं। टैलेंट मैं आपको बताता हूँ क्या, एक भाई घर बेच के खा गया दूसरे भाई का, सही, ये असल वाकया। तो उसने खत लिखा एक, और उसने खत में ये लिखा कि
मुझे तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी, और मैं पुलिस वगैरह पे तो नहीं जा सकता क्योंकि अपना टिड नंगा करने वाली बात है भाई के खिलाफ पुलिस में जाना, लेकिन ना मैं तुमसे कता ताल्लुक करता हूँ। सही। उस पे उस भाई का वापस फोन आया जिसमें उसने कहा फिर पैसा ही सब कुछ होता है। ये तब से जो लोग इस वाक्य को जानते हैं उनकी जिंदगी में ये बड़ा डायलॉग है कि कोई भी अगर आप भंड मार दो और अगला नाराज हो जाए तो आप आगे से को फिर पैसे ही सब कुछ। तो ये है हमारा टैलेंट। अच्छा, तो ये जो टीवी का कंटेंट बन रहा है ये वैसे देखता भी कौन है, मतलब जिसकी मजबूरी है, जिसको जबरदस्ती दिखाया जा रहा है? मैं तो यही कहता हूँ पीटीवी नेशनल चैनल है ना, पीटीवी पे जो कंटेंट बनाता है वो क्या खुद पीटीवी देखता है? नहीं, वो नेटफ्लिक्स देख के आ रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि इनको ये चेपो। यार वैसे पीटीवी कभी जाओ ना, बड़ा डिप्रेशन होता है। टाइम ट्रेवल कर लिया, 1700 में आ गए ये बड़े वाले कैमरे। अच्छा, मैं एक मॉर्निंग शो में गया पीटीवी में, तो अब वो जाहिर है ओल्ड स्कूल। अच्छा जी, आप कौन है? मैं ना, जी आपने ही बुलाया है तो आपको पता होना चाहिए कौन है। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। फिर मैं बैठा हूँ, अच्छा मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, ऐसे मेरे कान में ना आवाज़ आ रही हल्की हल्की धीमे धीमे म्यूजिक की। मैं समझा कोई म्यूजिक का शो दूसरे स्टूडियो में हो रहा होगा। पता चला वो एक अंकल डेजिग्नेटेड है, वो अपना लगे हुए, बात कुछ और हो रही है, वो जी बिथोवेन अलग चल रहा है अपना। वो एक अजीब सा ना आ रहा है, वो जो हमेशा आपने पीटीवी के प्रोग्राम्स में देखा होगा, बच्चों के प्रोग्राम में एक बबल लगा हुआ पुराना, वो कैसी हो भी नहीं, वो कैसी हो वो है। यामाहा वाले भी आके बोले भाई खुदा को मान लो यार, अब कोई नया ही ले लो, यही पकड़ लो, साथ में बाइक भी ले लो हमारी। अगर आप उनके मॉर्निंग शो में गए ना, तो जो प्राइवेट चैनल के मॉर्निंग शोज है ना, जिसमें शुरू होते हैं इतने चिरपी के, अस्सलाम वालेकुम, कितना मजा आ रहा है। अच्छा, पीटी वाले ना जिंदगी से आवाज आ रहे हो हमारी तरह के, यार बट ठीक है, चलो ठीक है, वो सुबह हुई है, नवा दिन चढ़ गया है, ऐ भी हो जाए लंगड़ा जिमे पिछला सी। हां, वो ये मुझे बात पसंद है भाई। हम जब यूट्यूब शुरू किया था तो टीवी के बड़े बड़े नाम कहते थे कि ये क्या चावल है भाई, असल चीज टीवी है, इधर आओ। हमने नहीं जी, वो आपका फोल्ट है, आप उधर ही करें, हम यही कर लेंगे। अब जो है उन सबके यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब ने जो है नंगा कर दिया सबको। और सबसे ज्यादा जो खुशी होती है ना मुझे टीवी चैनल्स को, चूना लग रहा है कि उन्हीं के एंकर ज्यादा मजे का शो घर जाके अपने यूट्यूब पे करते हैं। ये वही बात हो गई कि जी टीचर जो है ना आधा सबक पढ़ाती है स्कूल में, कहती फिर बाकी ट्यूशन में पढ़ा, अच्छा वाला वहां पढ़ाती है। जो आंटियाँ होती हैं वो अंकलों के साथ शादी करके पूरी ज़िंदगी गुजारती हैं और फिर एंड पे आके उनके मियाँ मर जाते हैं। हाँ। तो उसके बाद वो अकेले होती हैं। हाँ। तो वो तो बड़ा ख्वार होती हैं। तो ये बंदे जल्दी मर क्यों जाते हैं यार? सारा टेंशन ही इन्होंने पाली हुई। देखे ना, ये लोग गेम समझ नहीं रहे। हाँ। कि जो डिपेंडेंसी से हटना है और अगर आपने इक्वल पावर्स देनी है ना दोनों साइड को, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होगी टेंशन होगी और स्ट्रेस की। इन्होंने बोला नहीं जी तुम घर पे बैठो, फिर सारी टेंशन मैं पालूंगा। फिर वो टेंशनों में भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते, घर से बाहर निकले जी ट्रैफिक की टेंशन, बिल की टेंशन, सारे काम मर्द नहीं करने, औरत को जी बिल्कुल नहीं, बाजार से जी सब्जी वाले सब्जी ले लो, या तांबे वाले जो आते हैं जी चूल्हा सही करा लो, प्रेशर कुकर आ दे, बटन लो आ लो, बस इससे ज़्यादा दीन ही है। तो फिर जो है ना सारी टेंशनें पालेंगे तो फिर आप कैसे जिंदा रह सकेंगे? ऑफिस की टेंशन, ऑफिस की पॉलिटिक्स अलग है। अच्छा, फिर ऑफिस जाके भी मैंने भी ये भी बड़ा नोटिस किया है, वो सास बहू की बनती नहीं है, दोनों लड़ती हैं, फिर दोनों अपने कमरों में जाती है, तो फ़ोन ने तो बेड़ा गरक किया ना, दोनों अपने कमरों में जाती हैं, पहले माँ बेटे को फ़ोन करती है तेरी बीवी ने ये बोला, फिर उधर से बीवी बोलती है तेरी माँ ने मुझे ये बोला, वो कहता है यार मैं स्प्रेडशीट खोल के बैठा हूँ, 2 billion years ऑफ एवोल्यूशन एंड हेयर आई एम इन फ्रंट ऑफ अ स्प्रेडशीट। वो स्प्रेडशीट में स्प्रेडशीट हुई हुई उसकी लाइफ के, यार मैं माँ को संभालूँ या बीवी को संभालूँ? वो कहते ना माँ बिठा के समझाती है, बीवी लिटा के समझाती है। तो वो भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है लोगों में यार, किसकी बात मानूँ किसकी नहीं मानूँ। घर आके ऑफिस की टेंशन, ऑफिस जाके घर की टेंशन, और सड़क पे तो है ही टेंशन। ठीक है, तरतीब हमारी जिंदगियों में भी नहीं है और फिर मौत के बाद भी नहीं है। जैसी टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियां आपको सड़क पे मिलेंगी, फिर कब्रें भी वैसी टेढ़ी मेढ़ी, तरतीब नहीं है हमारी जिंदगी। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि मर्द पे ज्यादा शायद प्रेशर होता है, लेकिन बहरहाल किसी के साथ भी आप रहो तो थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है। तो ये भी खत्म हो सकती है क्योंकि मर्दों की मजबूरी है, उनका गुजर बसर नहीं होता लड़कियों के बगैर। लड़कियां मर्दों के बगैर बड़े आराम से रह लेती हैं। हाँ, वो मैन चाइल्ड होते हैं ना कुछ मर्द, बल्कि ज्यादातर मर्द। तो कहते हैं ना हमारे माशरे में जो है ना सब कॉन्टिनेंट में मर्द को ना बीवी माँ जैसी चाहिए थी, जिसका आते जाते थोड़ा टच भी कर सके। जो आपने बात की खुश है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मगर ये कि फिर वो शिकायतें किससे करेंगी? क्योंकि वो सारा दिन का जो जमा होता है ना शाम को, जो तुम्हारी माँ ने ये बोला, तुम्हारी बहन ने पाए भेजे थे, और जब मैंने डब्बा भेजा था तो डब्बे में इतना खीर नहीं आई थी, ये नहीं आता, वो
किधर करेंगे? हाँ. तो वो ख्वातीन का ना पोर्न होता है, तो उनको वो चाहिए होता है, तो वो फिर जब बंदा ही माइनस हो जाए, अच्छा उसकी मजबूरी होती है क्योंकि उसके बहुत सारी चीज़ें एफिलिएट, वो बहुत सारे काम निकलवाना चाह रहा होता है, तो वो सुन भी रहा होता है, चलो ठीक है जी चलो सुना दो, और वो बस एक कान से सुन के और उसी से ही उड़ा रहा होता है. आप थोड़ा रिपीट करवाए ना, ये मैं टिप दे रहा हूँ ख्वातीन को, जब भी आप किसी कोई बता रही हो ना अपने हस्बैंड को डिटेल अबाउट योर डे या कोई कोई किस्सा कोई वाक्या, बीच में बोले जरा बताना मैं किसकी बात कर रही हूँ, फौरन पकड़ा जाए. नहीं सुन रही होती, जस्ट प्रिटेंडिंग के हाँ अच्छा ओ रियली अच्छा. अच्छा मर्दों के लिए टिप कि अगर खातून आपकी जो है मंगेतर है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है बीवी है, वो अगर कहानी सुना रही है ना, तो आपने बस ये चार चीजें बोली, ओ अच्छा रियली ओ वाओ ओके, ये बस आपने ये इसका लूप चला के रखना है और बस खुदा से दुआ करनी है कि वो काउंटर क्वेश्चन ना आ जाए कि मैं बात किसकी कर रही हूँ, वहां फड़े जा रहे हैं. मेरा जो थीसिस है ना अब तक का, दो फैसले होते हैं इंसान की जिंदगी के पास, ठीक है, विच कैन मेक और ब्रेक हिज लाइफ और हर लाइफ, ठीक है, और एक होता है आपकी तालीम का, दूसरा है आपकी शादी. अगर तो ये दोनों चीज नहीं है ना, तो आप चाहे जेफ बेजोस भी, क्योंकि इंसान जो है ना एट द एंड मांगते पीस ऑफ माइंड, अगर पीस ऑफ माइंड है तो सही है, नहीं है तो आप जेफ बेजोस भी हैं आपकी तलाक हो जानी है, ठीक है. तो ये दो डिसीजन आपकी लाइफ मेक और ब्रेक करते हैं, और पाकिस्तान में 99.8% लोगों के पास ये दोनों डिसीजन ही नहीं है. हाँ. ना उसके पास अपनी तालीम का डिसीजन है, ना उसके अपनी शादी का डिसीजन, तो उसके पास बचा ही क्या. अब वो एक बेवकूफ, मतलब वो उसको बनना था आर्टिस्ट, उसको आपने बना दिया इंजीनियर, अब वो बैठा है जी नट बोल्ट लेके और वो यूं तक रहा है, और जो है उसकी शादी उसको प्यार किसी और से था, या उसके जो भी उसके जहन में था एक एक रोल मॉडल अबाउट हिज पार्टनर, आपने जी खाला की लड़की पकड़ा दी उसको, मतलब वो अलाइंड ही नहीं आपके साथ किसी टॉपिक पे, उसको चार टॉपिक्स के अलावा बात ही नहीं करने आती, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं है, तो वो फिर बोर होता है, वो कहता है फिर वो फिर ट्रीट करता है कि चल तू खाना ही बना ले फिर, फिर तू मेरे कपड़े इस्त्री कर ले, मेरे जूते मोजे का ख्याल कर ले, बस फिर उसको वहीं तक रखता है. तो फिर वो 30 के बाद जो है ना, इसलिए वो चला जाता है डिप्रेशन में, यार ये क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या हैंड हुआ है, क्या मैं दुनिया में स्प्रेडशीट खोलने आया था, डॉक की फाइल जो है पीडीएफ करने आया था, क्या यही मेरी जिंदगी है, और फिर इसी वजह से फिर डिप्रेशन बढ़ जाता है. इसका जवाब वैसे ये है कि हाँ यही है तुम्हारी जिंदगी.